हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे और उसका टॉपिक है समास। समास को हम समझेंगे। सबसे पहले समास किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है, ये हमें समझना होगा। परिभाषा मैं बता रही हूँ, आप लिखते जाइए। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उसके मेल को समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, मतलब देशभक्ति वो जो शब्द है वो कैसे बना, तो देश के लिए भक्ति। जैसे देश बनता है तो देश के लिए हमारे मन में भक्ति उत्पन्न होती है, तो ये दिमाग में रख के और दोनों शब्दों को मिला के बनाया गया है, तो इस तरह देशभक्ति शब्द बन जाता है। और माता पिता, तो माता पिता को हम माता और पिता इस तरह से समास के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट है समस्त समस्त पद, मतलब समास रचना में दो शब्द होते हैं। जैसे पद पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, तथा इन दोनों के समास से बना नया पद समस्त पद कहलाता है। जैसे दशानन, दशानन किस तरह से मतलब बना है ये शब्द, दस प्लस आनन, आनन का मतलब होता है मुख, मतलब तो इस तरह से हमारा शब्द बन गया दशानन समस्त पद है। दस पूर्व पद होगा और आनन इन दोनों शब्दों को वो होता है उत्तर पद, इन दोनों शब्दों का जोड़ ही दशानन यानी समस्त पद है। अब हम समास विग्रह देखेंगे। समास विग्रह क्या होता है ये देखना है हमें। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, फिर से लिखिए आप, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, माता पिता समस्त पद का विग्रह होगा माता और पिता। अब आप आगे आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये समास के भेद किए हैं। समास के भेद लिखिए। समास के भेद यहाँ पे मैंने चार बताए हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीही समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास। और तत्पुरुष समास में दो भाग है, एक तो कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। पहले हम तत्पुरुष समास करेंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। उदाहरण के तौर पर ग्राम गत, तो ग्राम को गत। और रोग मुक्त, रोग से मुक्त। घुड़ दौड़ यानी घोड़ों की दौड़। सेनापति, सेना का पति। सिरदर्द, और अगर हम ऐसे दोनों शब्दों को मिला के करें तो सिर का दर्द। और तत्पुरुष समास के भेद है कर्म तत्पुरुष और दूसरा है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और न्यय तत्पुरुष। अब हम इसका पूरा वर्णन करेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को ब्रैकेट में को लिखोगे, ये हमें किस तरह से समझ में आएगा मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। सर्वगत, स्वर्गगत मतलब स्वर्ग को गया हुआ। यश प्राप्त मैंने यश को प्राप्त, तो यहाँ पे को शब्द को हमें यूज़ करके कोई कर्म को बताना है, इसलिए इसे हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। कर्ण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष उसे बोलते हैं जो जैसे से वर्ड उसके अंतर्गत आता है, जैसे स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित, मतलब उसके कारण हुआ है, इसलिए इसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष मतलब के लिए, ब्रैकेट में आप के लिए लिखोगे, आप हर चीज़ में के लिए वर्ड यूज़ करोगे। जैसे मालगाड़ी, इसे हम जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है या करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। तो इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मालगाड़ी यानी माल के लिए गाड़ी है ये, और देशभक्ति देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से ब्रैकेट में आएगा कोई कारण से, जैसे भूखमरी, भूख से मरा।
नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो यहाँ से शब्द का यूज होता है अपादान तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष में संबंध का, संबंध को बताता है, जैसे का, के, की। एग्जाम्पल के तौर पर राजकुमार यानी राजा का कुमार, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। अधिकरण तत्पुरुष में मे और पर। सिर दर्द यानी सिर दर्द मतलब है हमें, जो तो सिर में दर्द है। और आप बीती, आप पर बीती। तो इस तरह से हम अधिकरण तत्पुरुष समास को प्रयोग में लाते हैं। और अब लास्ट है नई तत्पुरुष समास, मतलब असत्य, न सत्य। असत्य मतलब न सत्य। अइच्छा, अनिच्छा मतलब न इच्छा। इस तरह से हम इस समास का प्रयोग में, कोई भी वाक्य हमें करना हो तो प्रयोग में ला सकते हैं। अब दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होता है, सॉरी पहला पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। अथवा किसी को समास में पहला पद उपमा और दूसरा पद उपमेय होता है। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, आप ये देखिए इसके अंतर्गत कर्मधारय में हमें विशेषण किसको बताना है और विशेष्य किसको। नील गाय यानी नीली है जो गाय, महादेव महान है जो देव, उपमान और उपमेय। अब उपमान और उपमेय हम कैसे उस शब्द में हम पहचान पाएंगे, ये आप देखिए। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली यानी चंद्रमा की तरह सुंदर। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा है, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह और समाहार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, तिरंगा तीन रंगों का समाहार है। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। दशानन दस आननों का समाहार। सतसई 700 दोहों का समूह। पंचतंत्र पांच तंत्रों का समूह। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अपव्यय का लोप हो जाता है। समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण हम बीच में आइफन का या डैश का प्रयोग में लेके आते हैं। सुख और दुख, तो सुख और दुख होता है, भाई बहन, इसे हम समझ जाते हैं कि ये दोनों मिक्स वर्ड है, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। दाल चावल, दाल और चावल। इसी तरह से ठंडा गरम, चाय कॉफ़ी, बाप दादा। नेक्स्ट है अव्ययी समास। अव्ययी समास किसे कहते हैं, आप लिखिए। परिभाषा है, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आजन्म जीवन से लेकर, आजीवन जीवन भर, अमरण मृत्यु पर्यंत, प्रतिदिन हर दिन, प्रतिवर्ष हर वर्ष, प्रत्येक एक एक, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, बेकाम काम के बिना, बखूबी खूबी के साथ में। बहुव्रीही समास, जिस समास में न पहला पद प्रधान न हो, न दूसरा पद बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। जैसे पीतांबर यानी पीत यानी पीला है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु। तो इसके अंतर्गत पूर्ण रूपेण जो हम समास का प्रयोग करते हैं या पदों का प्रयोग करते हैं वही बहुव्रीही समास है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात सेव। दशानन दस है आनन जिसके अर्थात रावण। पंकज पंख में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका अर्थ है गणेश। तिरंगा तीन रंगों का ध्वज अर्थात राष्ट्र ध्वज। निशाचर निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। अंशु माली, अंशु है माला जिसके अर्थात सूर्य। षडानन मतलब छह है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। विषधर विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। इस तरह से बच्चों हमारा समास है जो पूर्ण हुआ। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू बच्चों, बाय।